साथ ही सवाल है कि अगर किसी औरत का शोहर बद मजहब हो रहा है तो बीवी क्या करे, अगर वो किसी मजबूरी की वजह से छोड़ नहीं पाए तो क्या बीवी का ईमान जाता रहेगा? ईमान जाने का हुक्म तो नहीं है, इस काम को नहीं किया जा सकता। अगर वो उसके कुफरियात से या उसकी बदमजहबी से वो राजी नहीं है और उससे ज्यादा है, उसको वो औरत समझती है, बुरा समझती है, तो उसके बदमजहब होने का या उसे धोने का हुक्म नहीं होगा। अलबत्ता उसके ऊपर उससे जुदा होना फर्ज है, खसूस जबकि बदमजहब की बदमजहबी हद से ऊपर तक पहुंच चुकी तो अब निकाह ना रहा, अब जितनी गुर्बत होगी वो हाथ जिला होगी। तो अब इस आदाब से और इस गुनाह से जिसमें वो जब तक रहेगी उसके साथ मुस्कुराए उतरा रहेगी, जरूरी है कि वो अपने आप को बचा करके रखे और जैसे बने उसे छुटकारा हासिल करे। यही हुक्म हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर सुन्नी कादरी रज़वी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जहां जहां कुरान में है वो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे किन लोगों को खिताब किया है, उन लोगों को खिताब किया है जो मुस्तफा पर ईमान रखते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और जो वसीले पर ईमान रखते हैं और जिन्होंने मुस्तफा के वसीले से ईमान लिया है, और जो मुस्तफा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को ये समझते हैं कि ये ऐसे इंसान हैं कि सारी मखलूक से ये अफजल हैं, और जो समझते हैं कि ये ऐसे इंसान हैं कि सारे इंसानों को इज्जत और अजमत जो है इन्हीं के वसीले से मिली है, तो वही जो है वही लोग जो है ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू के मिसदाक हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उन्हीं को मुखातब किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो यहां से जो है मुझे क्या आप बताने की जरूरत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू से कौन मुराद हुए? वो मुराद हुए जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, जो आला हजरत वाले हैं, जो गौस वाले हैं, और जो औलिया-ए-किराम के नियाजमंद हैं।